बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मदीहा रॉस किचन। आज मेरे किचन में फिर एक इंटरनेशनल रेसिपी बनने वाली है और उसका नाम है जर्क चिकन। जी, ऑथेंटिकली ये जमैकन रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार सी, हॉट सी ये चिकन बनती है। उफ, इसको बनाने के लिए हमें एक स्पेशल इसका जर्क चिकन सॉस बनाना पड़ता है, जो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। ये रेसिपी मैं आज खास तौर पे जो है सारा मकबूल, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड है, उसकी फरमाइश पे बना रही हूँ। तो सारा, दिस इज स्पेशली फॉर यू। तो चलिए हम करते हैं बनाना स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले उसके लिए हमें मैरिनेशन तैयार करनी होगी, जिसके लिए देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे लिया तकरीबन 5 to 6 जो है वो गार्लिक क्लोव्स, तकरीबन स्मॉल 1 चॉप्ड ब्राउन अनियन। अगर आपके पास लार्ज है तो आप हाफ ले लीजिए। तकरीबन आप कह लें कि 6 to 4 जो है वो स्प्रिंग अनियन जो होती है उसका ग्रीन पार्ट हमें चाहिए। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्कॉच बॉनेट। अच्छा, मुझे क्योंकि काफ़ी हॉट पसंद है तो मैं यहाँ पे 2 स्कॉच बॉनेट यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मीडियम खाने वाले हैं तो एक स्कॉच बॉनेट जो है वो इनफ होगी, वरना ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब हम करते हैं अपने इसमें ऐड। अच्छा जी, अब देखिए मेरे पास यहाँ स्पाइसेस हैं कुछ, जो मैं इसी के अंदर सब कुछ एक साथ डाल के हम मिक्स करेंगे। तो स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे लिया है 1 teaspoon ऑफ मिक्स हर्ब, 1 tablespoon ऑफ चिकन पाउडर, 1 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1 teaspoon ऑफ थाइम, 1/2 teaspoon ऑफ पिंक सॉल्ट एंड 1 teaspoon ऑफ ऑल पर्पज सीजनिंग। ये ऑल पर्पज सीजनिंग आपको ईजिली भी मिल जाएगी, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, देखिए इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 tablespoon ऑफ सोया सॉस, 2 tablespoon ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1 tablespoon ऑफ फ्रेश लेमन जूस एंड 1 teaspoon ऑफ ब्राउन शुगर। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ, जो कि है नटमेग पाउडर। ये हमें बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में डालना है, 1/4 teaspoon। अगर आप ये ज़्यादा डालेंगे तो ऐसा ना हो कि इसकी ये बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, सो बहुत ही केयरफुल होकर आपको ये डालना है। सब चीज़ें देखिए हमारी इसमें जा चुकी हैं, अब हम करते हैं इसको मिक्स करना स्टार्ट। अच्छा देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा हमें वाटर नहीं डालना है, वरना आपकी ये जो मैरिनेशन है ये बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगी। ओके जी, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। If you enjoyed this video, press the like button, subscribe my channel and press the bell icon. अच्छा जी, देखिए हमारी जो मैरिनेशन है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए कितना स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। It's done. कि मैरिनेशन हमने रेडी कर दी थी। अब मैं आपको बताऊं, देखें चिकन यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, मैं सिर्फ ब्लैक पीस यूज़ कर रही हूँ और वो भी है विद स्किन। डिपेंड करता है, अगर आपको स्किन नहीं पसंद है तो आप इसकी स्किन ऑफ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी के अंदर ये विद स्किन बनाई जाती है। अच्छा देखिए, चिकन को मैंने क्या किया कि मैंने चिकन के अंदर खूब सारा डाला विनेगर और मैंने इसको विनेगर से वॉश किया है। और उसके बाद आप देखें, मैंने इसमें इस तरह से काफ़ी डीप जो है वो कट्स लगा लिए हैं, क्योंकि मेरे पास जो लेग पीस हैं वो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये अंदर तक इसके अंदर मैरिनेशन और टेस्ट जाए। ठीक है, अब बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपनी मैरिनेशन इसमें डालना करते हैं स्टार्ट। और ग्लव्स पहनना नहीं भूलिएगा। अच्छा देखिए, सॉस मैंने सारा नहीं डाला है, थोड़ा सा सॉस मैंने रोक लिया है, क्योंकि ये जब मैं इसको ग्रिल करूंगी तो मैं इसमें ऊपर से डाल सकती हूँ, या आप साइड में भी सर्व कर सकते हैं कुछ लोग अगर हॉट खाने के शौकीन है तो। चिकन देखिए हमारी हो गई है परफेक्टली मैरिनेट। इसको मैं क्लिंग पर लगा के जो है वो मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी फॉर एटलीस्ट 1/2 to 1 hour, और उसके बाद हम अपनी चिकन को डालेंगे ओवन में। तो विल सी यू आफ्टर 1 hour। वेलकम बैक आफ्टर 1 hour। देखिए हमारी चिकन को मैरिनेट हुए 1 hour हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैंने अपनी ले ली है बेकिंग ट्रे, और ये जो चिकन है इसके पीसेस को मैं इस तरह से अपनी बेकिंग ट्रे पे अब रख दूंगी। जो हमारे पास सॉस है ये आप इस तरह से अपनी चिकन के ऊपर लगा दीजिए। देखिए ऑयल वगैरह सब चीज़ें हमने मैरिनेशन में डाल दी थी, तो हमने इस वक्त कुछ भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जाके रखने वाली हूँ अपनी इस बेकिंग ट्रे को जो है ओवन में, अपनी इस चिकन को तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स के लिए एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड और फैन सेटिंग के ऊपर, क्योंकि इसको हमें मैंने जैसे सबको बताया कि चिकन काफ़ी ज़्यादा थिक है लेग पीसेस, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा टेंडर होने में। सो विल सी यू आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। और ये लीजिए भाई, हमारी मज़ेदार सी जर्क चिकन जो है वो अवन से आ चुकी है बाहर, और ये देखें क्या फिट लग रही है। और अगर आप लाइव बारबेक्यू कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप इसको खूब अच्छे से ग्रिल करें, ताकि थोड़ा सा डार्क जो है कलर में बने। तो चलें इसकी हम करते हैं सर्विंग।
देखिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन करी है। जो हमने ये अपना जर्क चिकन का जो सॉस बनाया था वो मैंने सेपरेटली सर्व कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना सॉस इसमें इनफ था। अगर आप बारबेक्यू कर रहे हैं, लाइव बारबेक्यू, तो फिर आप इसको सॉस को ऊपर से टॉप कर सकते हैं ग्रिल करते वक्त। ठीक है जी, इसके अलावा थोड़ा सा मैंने फ्रेश सैलेड रखा है, यहाँ पे एक लेमन हमने कट करके रख लिया है, और अब हम अपनी जो चिकन है मज़ेदार सी उसको रखते हैं। ये देखिए क्या अमेजिंग लग रही है। ये देखिए थोड़ी सी मेरे पास है स्प्रिंग ऑनियन कट, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ऐसे ही। तो ये लीजिए देखिए हमारी जर्क चिकन जो है वो बिल्कुल परफेक्टली सर्व हो चुकी है। ये क्या मज़ेदार टेम्पटिंग लग रही है, बनाने में देखिए सिंपल थी लेकिन खाने में इंतहाई टेस्टी, जूसी, मॉइस्ट, वो बहुत मज़ेदार बनी है। अगर आप लोग पहले नैंडोज खा चुके हैं तो उसी से ही काफ़ी क्लोज है, मतलब सेम फैमिली की, क्योंकि जमैकन और साउथ अफ्रीकन रेसिपी सिमिलर होती हैं। इसके अलावा स्कॉच बोनेट मैं फिर बोलूँगी कि आप लोग बहुत सोच समझ के डालें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा हॉट होती है। सो एक स्कॉच बोनेट मोर देन इनफ है आई थिंक। इसके साथ नॉर्मली जो है लोग जो इसको ब्लैक बीन राइस के साथ सर्व करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ब्लैक बीन राइस की रेसिपी भी दूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले मैं फिर आपको याद दिलाऊं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई रेसिपीज़, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। विल सी यू सून विद द न्यू रेसिपी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।